धन्यवाद कैलाश जी, आपने विषय विस्तार से रखा कार्यक्रम के बारे में भी, सबके जो जो जलाधिकार की 2012 से यात्रा है उसके बारे में भी सबके सामने विषय रखा। और आज पर्यावरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यह आज जो जलाधिकार का कार्यक्रम है उसके लिए मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं भी सभी को देना चाहता हूँ, जो लोग पैनलिस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं या कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं, और जो कार्यक्रम का स्वरूप है, स्वामी जी के भी हम विचार सुनेंगे और अलग अलग लोगों के भी विचार हमारे सामने आएंगे, और अंत में हम गंगा जी जो हमारे संस्कृति की और पूरी उसकी परिचायक है उसके दर्शन भी होंगे और हमारे को आरती का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो पर्यावरण दिवस के लिए एक हमारी तरफ से, जलाधिकार की तरफ से फिट ट्रिब्यूट होगा। मैं कुछ बातें आपके सामने कॉन्सेप्चुअली रखना चाहूंगा। महत्व जल का, जैसे जीवन में पंच तत्वों का महत्व है, उसमें कैला जी ने बताया कि जल का बड़ा महत्व है, और अगर ग्रहों को देखें, अंतरिक्ष को पूरा देखें, तो जो पंच तत्व है ज्यादातर सभी ग्रहों पे वो मौजूद होंगे, लेकिन जीवन उन्हीं ग्रहों पे हमें मिलेगा जहाँ पे कि जल की उपलब्धता है, क्योंकि हवा है, जमीन है, आकाश है, प्रकाश है, यह सब तो सभी पूरे ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है, लेकिन जल की उपलब्धता हर जगह नहीं है। और हमारा सौभाग्य है कि पृथ्वी में जल की उपलब्धता है, जिसके कारण हमें यह जो जीवन यहाँ पे मिलता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे ध्यान में आना चाहिए, आता भी है। अब दूसरी बात यह है कि जब प्रकृति पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में है, जैसे कहा जाता है कि 70% जो पृथ्वी का जो आयाम है उसमें जल की उपलब्धता है, और प्राणी मात्र में 90% की मात्रा जल की है, तो क्या यह जो इतनी उपलब्धता प्रचुरता से हमारे सामने है वह हम महसूस करते हैं? यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय है जो सबके जहन में हर बार आता रहता है, और प्रकृति ने इसको प्रदत्त किया है, प्रकृति ने इसको हम सबके लिए दिया है, जीवन यापन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वह जो इसकी उपलब्धता है सब जगहों पर उपलब्ध नहीं है। कुछ सीजन्स में हमें दिक्कत होती है, कुछ सीजन में, कुछ क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता नहीं होती, लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है, ये इसका मुख्य कारण ये है कि ओवरऑल तो उपलब्धता है, लेकिन इसकी हर क्षेत्र में और हर समय में उपलब्धता समानता नहीं है। तो इसमें मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान, समाज का, देश का, राज्य का आता है कि जो प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पे उपलब्धता है वह सबको उसकी महत्व, उसके बारे में उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आज पर्यावरण में हम एक महत्वपूर्ण बात जो देखना है वह है कि नदियों का जीवन में बड़ा महत्व है हम सबके लिए, और अभी हम कोरोना के त्रासदी में देखते हैं कि कैसे पर्यावरण के ऊपर हम लोगों ने किस तरह से उसके दुष्परिणाम, जिस तरह से पर्यावरण का जो शोषण किया गया उसके कुछ दुष्परिणाम हम हर जगह हर क्षेत्र में देखते हैं, चाहे औद्योगिकरण के रूप में देखें, चाहे और जगहों पे देखें, जीवन के अलग अलग जलों के, ग्राउंड वाटर के, तालाबों के, नदियों के, उन सबको हम देखें, तो प्रकृति का और पर्यावरण का जिस तरह से हमने शोषण किया और ध्यान नहीं दिया, उसकी बहुत सारी त्रासदी मनुष्य जीवन में हर जगह हम देखते हैं, और सबसे ज्यादा आती है अगर पानी के नदी अगर उपलब्धता अगर कहीं से होती है तो नदियों के द्वारा होती है, और नदियों का सारे संस्कृति में अगर ऐतिहासिक रूप से गांव पे उसका प्रमुख कारण क्या है कि जितनी भी हम विश्व की संस्कृतियों को देख लें, चाहे नाइल की संस्कृति देख लें या सरस्वती की देख लें या भारत की गंगा और यमुना की संस्कृति को देखें, नदियों के किनारे ही वो संस्कृतियां पनपी हैं, और अगर नदियां विलुप्त हो गई तो वह संस्कृति भी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। सरस्वती विलुप्त हुई तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी संस्कृतियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई। तो इसलिए इसका संरक्षण संवर्धन हम सबको करना है,
यही जलाधिकार का उद्देश्य है। प्रकृति ने जो इस महत्वपूर्ण जो यह जो जो तत्व दिया है उसको सब जगह समान रूप से पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के पहुंचे और आवश्यकता के अनुसार पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर जलाधिकार काम कर रहा है। अगर इसके कानूनी तत्वों को भी अगर हम देखें, कानून के तहत भी देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण पानी के साथ आता है कि यह पीने योग्य पानी समाज के हर वर्ग को मिले, और यही प्रमुख उद्देश्य हमारा जलाधिकार का है कि पीने योग्य पानी, जो तीन चार प्रमुख मुद्दे लेके आगे चल रहे हैं, उसमें यह है कि पीने योग्य पानी जो है मनुष्य में, प्राणियों में और पक्षियों में, जानवरों में, सबको पीने योग्य पानी मिले और वह उसको उसकी रिक्वायरमेंट को रोकने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि पीने योग्य पानी निशुल्क सबको प्रदान करे, और कानून अगर भारतीय संविधान का हम आधारभूत ढांचा देखें तो उसमें भी आर्टिकल 21 के अंदर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवन पीने योग्य पानी देना समाज में सरकार की जिम्मेदारी है निशुल्क रूप से। यह कानून के बहुत सारे फैसले हैं जिनके अंतर्गत भी हम इस बात को समझ के ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन आज के वर्तमान परिस्थिति में अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो जीवन में आवश्यक वस्तु है जैसे जल जैसी, उसका कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। विश्व में कई जगहों पर तो यह पूरी तरह से इसका जो प्राइवेटाइजेशन हो गया, इवन ग्राउंड वाटर का ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हम देखें तो ग्राउंड वाटर का भी पूरी तरह से उसकी ओनरशिप इंडिविजुअल लेवल पे है। लेकिन भारत में इस कानून में और संविधान में और हमारे संस्कृति के अनुसार पानी की ओनरशिप अभी किसी की भी नहीं है, ना सरकार की है, ना व्यक्ति की है, ना समाज की है। एक तरीके से उसका ओनरशिप ट्रस्टीशिप के अनुसार होता है। अगर सरकार भी इसके लिए अगर इसके प्रबंधन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो वह एक ट्रस्टीशिप के तरह ही केवल कर सकते, उसके पास भी मालिकाना हक नहीं है। समाज के हर व्यक्ति, प्राणी मात्र, पशु पक्षी, सबके लिए इसकी आवश्यकता है। हमारी जल नीतियों को भी देखें, केंद्र, जबकि यह प्रदेश का सब्जेक्ट है, पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट जल नीति निकाली है जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से कहा है कि पानी का व्यवसायीकरण और निजीकरण नहीं हो सकता। इसलिए यह बात भी हमारे सामने प्रमुखता से रहनी चाहिए। कई बार इसके कॉन्सेप्चुअली हम लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट में सरकार का खर्च होता है और उसका चलो किसी ने पानी को बनाया नहीं है उसकी, एक गरीब आदमी उससे वंचित रह जाए। अगर पैसा देके कोई खरीद सकता है अमीर आदमी, तो गरीब नहीं कर सकता। और क्या प्राणी, जानवर, पेड़ पौधे, इनके लिए भी पानी की बहुत आवश्यकता है, क्या वो पैसे देके खरीद सकते हैं क्या? तो इसलिए निजीकरण और व्यवसायीकरण के भी विरुद्ध जलाधिकार का स्टैंड रहा है और यह हमारे ध्यान में आना चाहिए। औद्योगिकरण की जो जो पर्यावरण को जो आज की नीति है उसके आधार के अंदर जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसके भी खिलाफ हम लोगों को सामने खड़े होके इस कार्य को करना चाहिए और उसकी त्रासदी को हम लोग देखते हैं। और अगर यह बात, जैसे आज हमारा सर्वे फॉर्म भी हम लोगों ने जैसे पिछली बार मीटिंग की थी 10 अप्रैल को, तो यह तय किया था कि एक 10-point सर्वे फॉर्म हम रिलीज करेंगे, जिसका आज हम रिलीज करेंगे, जिसमें अलग अलग विषयों पे हमने कुछ प्रश्न सबके सामने रखेंगे और उन प्रश्नों का जवाब देके लेके हम एक सर्वे कंसोलिडेट ओपिनियन बना के एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करने का प्रयास करने वाले हैं, ताकि सारे जो
जन सब लोगों की जो विचार है हम सबके सामने आ जाए। तो इसलिए यह बात भी सामने आए कि प्रकृति का जो संरक्षण है, प्रकृति का संवर्धन है, और इन सब के लिए जैसे सरकार की अभी हमने बात करी, जैसे जलाधिकार में हम सरकार के अधिकारों की, व्यक्ति के अधिकारों की और कर्तव्यों की बात करते हैं, वैसे ही व्यक्ति के रूप में दूसरा महत्वपूर्ण हमारे सामने बिंदु आता है कि संरक्षण संवर्धन अगर करना है पानी का, उसको अगर हम गंदा करते रहेंगे हर वक्त, तो फिर अगर गंदा किया तो फिर उसको हम फिर उसकी समस्या काफी विकट हो जाएगी। तो पानी का जो पॉल्यूशन है उसको रोकना, नदियों को, तालाबों को, ग्राउंड वाटर को, उसमें हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है। केवल सरकार उस कार्य को नहीं कर सकती, तो संरक्षण संवर्धन में हर व्यक्ति का कर्तव्य भी निहित है और सरकार की जिम्मेदारी भी साथ में रहनी चाहिए। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बात कह के मैं अपनी बात को थोड़ा विराम दूंगा, उसमें यह बात है कि जो प्रजातंत्र होते हैं, जितने भी हम देखते हैं भारत में प्रजातंत्र का बड़ा महत्व है, और भी विश्व में कई तंत्र हैं शासन के, उसमें प्रजातंत्र में जनता की बहुत महत्व, आवाज को सब लोगों से सुना जाता है, तो उसमें जन भावनाओं का और जन भागीदारी का बड़ा महत्व है। सरकार की जो भी पॉलिसी बनती है, सरकार के जो भी कार्य होते हैं, जो सरकार के नियम बनते हैं, उनमें लोगों की भावनाओं का, लोगों के विचारों का, लोगों के फीडबैक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जन आंदोलन, जन भागीदारी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान जैसे रहता है, तो इसलिए जलाधिकार इसको एक मास मूवमेंट की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। सारे क्षेत्रों में अपने अपने जगहों पे हम लोग काम करें, अपने अपने क्षेत्र में पानी के संरक्षण के लिए काम करें, और लोकल बॉडीज और स्टेट लेवल पे और केंद्र लेवल पे पानी के जब पॉलिसीज बनती है तो उसमें यह स्पष्ट रूप से बात जानी चाहिए कि पानी का निशुल्क पीने योग्य पानी सबको आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसका व्यवसायीकरण अगर होगा तो यह जो असेंशियल कमोडिटी जीवन में है वह गरीब और जरूरतमंद के पास से हटके कुछ जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, जो पावरफुल फाइनेंशियल पावरफुल ग्रुप्स हैं, उनके पास इसका ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे इसलिए असेंशियल कमोडिटीज में किसी भी तरह से उनका व्यवसायीकरण वह नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों को इस तरह की गलत फहमी है कि अगर प्राइसिंग पानी पे की जाए तो उससे कंजर्वेशन होता है। कई स्टडीज हुई हैं इकोनॉमिक्स की और कई जगहों पे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बात आई है कि असेंशियल कमोडिटीज है जिनसे मनुष्य का जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें किसी भी तरह का प्राइसिंग अगर होगा तो वह एक ट्रांसफर करेगा उस असेंशियल कमोडिटीज को आम आदमी से एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोगों के अंतर्गत। तो यह बात भी हमारे सबके ध्यान में रहनी चाहिए, और संरक्षण संवर्धन में हम काम करेंगे, अपने लोकल एरियाज में वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए काम करेंगे सरकारों के साथ, यह सारे रोड मैप के साथ हम आगे जाएंगे। और आज इस पर्यावरण दिवस पे हम इस संकल्प को भी साथ में दोहराएंगे कि नदियों को, ग्राउंड वाटर को, तालाबों को हम स्वच्छ निर्मल रखेंगे, और इस इस विचार को आगे बढ़ाएंगे कि जल जैसा महत्वपूर्ण तत्व है यह सबके लिए उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है, और इस बात को हम ध्यान में रहेंगे। एक बात कह के मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा कि जैसे पिछली बार बात हुई थी तो हम लोगों ने, जैसे कैलाश जी ने कहा था कि आगरा में और दिल्ली के द्वारका में कई जगहों पे तालाबों के लिए काम किया गया है, सरोवर में, तो ऐसा ही नोएडा में भी प्रयास किया था। और आज यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यह तय किया था पीछे अपनी टीम ने, दो तीन तालाब देखे थे तो 135 में एक बहुत विशाल तालाब नोएडा अथॉरिटी का बना हुआ है, उन लोगों ने आज उस एग्रीमेंट को हम लोगों के साथ साइन कर दिया है कि जलाधिकार को उसके रख रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए और उसके आसपास जो भी हम एक्टिविटीज किसी तरह की प्लान करते हैं, तो नोएडा अथॉरिटी एक MOU हम सबके सामने आज वो साइन करके हमसे शेयर कर चुके हैं, लेकिन एक डिटेल एग्रीमेंट 135 सेक्टर के
तालाब के लिए एक एग्जाम्पल के लिए आज करेंगे, और अगर उस चीज को अगर अच्छा बनता है तो और भी हम तालाबों को के संरक्षण संवर्धन के लिए आगे बढ़ेंगे, तो इसी तरह से और क्षेत्रों में भी हम आगे इसको ले जाएं। यही बात कह के मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा और हम लोग औरों के भी विचार सुनेंगे और इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। पर्यावरण दिवस पे आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ आप ठीक है अभी? हाँ गंगा वो अरे शुरू से दिखाई ना। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तिथि ये साउंड आ रहा है आपके करुणा जय गगे माता मैया जय गगे माता चुनर चंद्र से जो जल निर्मल आता बाल जी हम कंटिन्यू रखें क्या आरती? गंगा जी की आरती कंटिन्यू रखें? हाँ अभी आ रहे हैं स्वामी जी, ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ करें कंटिन्यू करें करें कंटिन्यू करें। मैं आरती कंटिन्यू रख रहा हूँ सर। हाँ हाँ आरती पूरे जय 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 ज
जय